आप ले हो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। झांज मुकंदा अपर के दारा, हित कल्याण आए गुरुद्वारा। तीनों नमो कीन हित पास, कर जोरत कीनी अरदास। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु महाराज जी, साजी नवाज जी, गुरु रूप साध संगत जी, संध्या दे दीवान हजूर दी पावन हजूरी जी सजे हन। अमृतमई गुरबाणी सौदा रह राज साहब दे पाठ आरती आरती दे कीर्तन गुरु की संगत ने सरवण कीते ने। आओ हुण मन बिरतियां नूं महाराज साहब जी दे पावन चरणां नाल जोड़िए। गुरु इतिहास की जो कथा चल रही है, पंजवें पातशाह शहीदों के सरताज शांति दे पुंज बाणी के बोहित गुरु अर्जन देव महाराज साहब जी के चरणों में गुरु के सिखा ने जिहड़े जिहड़े सवाल किए, जिहड़ियां बेनतियां कीतियां, अरदासां कीतियां, गुरु साहब ने उन्हां दी बेनतियां सुन के, उन्हां दे सवाल सुन के उन्हां दा जवाब दिता। यह कथा भाई मनी सिंह जी ने भाई गुरदास की ग्यारहवीं वार का टीका करदिया लिखी है। पोथी का नाम है सिखां दी भगत माला। उसे का ट्रांसलेशन भाई साहब संतोख सिंह जी ने किया, अनुवाद किया। यह ब्रिज भाषा के महान ग्रंथ श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ में हर रोज़ आप सरवण कर रहे हैं। गुरु साहब को सिखां ने कैड़ी कैड़ी बेनती की, किदां दे सवाल किए, गुरु साहब ने किदां दे जवाब दिते। यह नहीं कि उन्हां सिखां वास्ते ही सन, ये जवाब साडे भी काम आउंदे ने। असीं भी जदों भगती करिए, साधना करिए, जप तप करिए, गुरसिखी दे मार्ग ते तुरीए, तां उस मार्ग दे विच साडा मार्गदर्शन करदे ने ये बचन गुरु साहब ने जिहड़े उत्तर दिते ने, जवाब दिते ने। आओ सरवण करिए, प्यार नाल आखिए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। झांज मुकंदा अपर के दारा। महाराज के चरणों च कुछ सिख आए ने जिन्हों के नाम हैं भाई झांज, भाई मुकंदा ते भाई केदारा जी। हित कल्याण आए गुरुद्वारा। भाई झांज, भाई मुकंदा ते भाई केदारा अपनी कल्याण वास्ते, अपनी आत्मा के भले वास्ते गुरु महाराज पंचम पातशाह के चरणों में आए हैं। तीनों नमो कीन हित पास। भाई झांज, भाई मुकंदे ते भाई केदारे ने गुरु महाराज के चरणों च मत्था टेकिया ते मत्था टेक के सतगुरों के सामने हाथ जोड़ के बैठ गए। कर जोरत कीनी अरदास। हाथ जोड़ के गुरु महाराज के चरणों च बेनती करते, अरदास करते ने भाई झांज जी, भाई मुकंदा जी ते भाई केदारा जी। हाँ जी, क्यों कर होए उधार हमारो। हे महाराज सच्चे पातशाह, साडा उधार किवें होवेगा, साडा भला किवें होएगा। कोई ऐसा उपदेश बख्शो जिहड़े उपदेश नूं कमाण करके साडी आत्मा दा कल्याण हो जावे। हाँ जी, आप मुकंद उपाय उजारो। आप कोई उपाय दसो, क्योंकि आप जी मुक्ति दाते हो। सारी दुनिया दा कल्याण करन लई आप जी इस धरती ते अवतार धारिया है, साडे ते भी कृपा करो। सुन श्री अर्जन तब है बखाना। उन्हां दी बेनती सुन के महाराज पंचम पातशाह जी बोले, तुम जानत हो राग महाना। महाराज कहिंदे भाई झांज, भाई मुकंदा, भाई केदारा, तुसीं राग विद्या जानदे हो, तुहानूं गाणा आउंदा है। परमात्मा ने तुहाडे गले विच सुरीलापण पाया है, तुहानूं सुर दा ज्ञान है, तुसीं गुरबाणी दा कीर्तन करिया करो। हाँ जी, गुरबाणी राग महगाओ ते तुसीं राग विद्या जानदे हो, उस राग विद्या दा उपयोग कीर्तन दे रूप च करो। राग विद्या किसे रूप च भी वरती जा सकती है। राग विद्या सिख के गाने भी गाए जा सकते ने दुनियावी,
ते राग विद्या सुन के प्रभु की सिफत भी गाई जा सकती है। तुसी रागां दे विच गंदे गाने ना गाया करो, गुरबाणी गाया करो, वाहिगुरु की सिफत करया करो। हाँ जी, नीके प्रभु तो जस बसाओ, वाहिगुरु का परमेश्वर का जस अपने हिरदे च वसा के ते गुरु की बाणी गाया करो, वाहिगुरु की सिफत करया करो, उस परमात्मा दे सोहले गाया करो। हाँ जी, ज्यों ज्यों आनंद राग दे पाओ, जिवें जिवें राग दे नाल गुरबाणी मिला के गाओगे तुहानू आनंद की प्राप्ति होवेगी, तुहाडे मन नू शांति आवेगी, तुहाडा मन टिकेगा। पहलां दे साध संगत जी इस मन की मैल उतरती है फिर टिकना शुरू हुंदा। ऐसी कई बारी कल भी एक गल आई सी, महाराज सच्चे पातशाह नू सिखां ने पुछिया सी, महाराज बाणी पढ़ते हाँ पर मन नहीं लगता। महाराज कहते मन पहला दे मैला है, वो मैल उतरेगी फिर टिकेगा, हौले हौले टिकेगा, इको दिन नहीं। अजे तो बाणी पढ़ी जाओ गाई जाओ सुनी जाओ मनी जाओ जपी जाओ, फिर समा आएगा, साधना करके मन मांजिया जाएगा। मन नूं भी तां मांजण ते जे मन नूं मैले होण ते ज्यादा टाइम लगा है ते उहनूं सुधारन ते उस तों भी ज्यादा लगेगा। तो भाई गुरबाणी पढ़िया करो, कीर्तन करिया करो। हाँ जी, त्यों त्यों प्रेम अधिक उपजाओ, जिवें जिवें तुसीं बाणी नूं गाओगे तुहाडे मन च परमेश्वर का प्यार होर पैदा होवेगा। ज्यों ज्यों गाओगे बाणी, भगती करोगे, नाम जपोगे, तुहाडे मन च प्रेम होएगा, होर गाइए, होर पढ़िए, होर जपिए। हाँ जी, कलयुग मह कीर्तन मानिंद, महाराज कहिंदे कलयुग च कीर्तन दे बराबर कोई चीज नहीं। कलयुग मह कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। कलयुग दे विच कीर्तन प्रधान है, परमात्मा नूं मिलण वास्ते मुक्ति का साधन कीर्तन सब तो उत्तम है। गुरु महाराज श्री गुरु नानक देव जी सचखंड तो भाई मरदाने वर्गे कीर्तनियों नूं लै के धरती ते अवतार धारिया, पिंड पिंड शहर शहर घर घर दुनिया के कोने कोने दे जा के बाबा जी ने कीर्तन राही प्रचार किया। जिथे भी जाते सी लोगों नूं कीर्तन ही सिखा देंदे सी, कहिंदे कीर्तन करो, परमात्मा दे नेड़े होण दा इक्को ही वसीला, उहदे गुण गाओ, उहदा जस करो, उहदी सिफत करो। जदों तुसीं वाहिगुरू की कीर्ति गाओगे, कीर्तन का मतलब हुंदा कीर्ति, ते कीर्ति का मतलब हुंदा जस गाणा। तुसीं जदों वाहिगुरू की कीर्ति गाओगे तुसीं वाहिगुरू दे नेड़े हो जाओगे। हाँ जी, नहीं अपर को ही बलंद, कलयुग च होर कोई नहीं वड्डा, कीर्तन प्रधान है। होर जिन्ने भी जग तप वेद पाठ पूजा कर्म कांड पिछले युगां विच सन, जत संजम तीर्थ उन्हां युगां का धर्म है। जत संजम तीर्थ यात्रा करनी, संजम रखने, वर्त रखने, यह सब उन्हां पिछले युगां का सतयुग त्रेते द्वापर का धर्म है। कल मैं कीर्त हर नामा, कलयुग दे विच तां सिर्फ कीर्तन दा ही नाम दा ही प्रताप है। हाँ जी, कठिन महातप जे को करै, कलयुग दे समय विच कीर्तन दे बराबर कोई तप भी नहीं, कोई जप भी नहीं। जे कोई बड़ा औखा हो के शरीर नूं तपावे, कठिन तप करे, जिवें पहाड़ां विच जा के कई लोग बारह बारह साल चौबी चौबी साल सारी सारी उम्र उत्थे रहिंदे हन। कदी हेमकुंड साहब वल तुसीं गए होवोगे, किन्नियां उच्चियां भयानक खतरनाक पहाड़ियां हन, उहनां दे आले दुआले सड़क तों पांच पांच दस दस मील पिछे हट के जाइए तां कई ऐसियां गुफावां ने जिथे कई सदियां दे पुराने साधु बैठे तप करी जांदे ने, ते योग साधना करते हैं भी सानू परमात्मा मिल जाए। बड़े तपस्वी कोई बर्फ में बह के तप करता है, कोई पुट्ठा लटक के तप करता है, पर महाराज कहिंदे परमात्मा नहीं मिलता, क्योंकि कलयुग में जिहड़े तरीके नाल परमात्मा मिलना वह तरीका तो उन्होंने अपनाया ही नहीं। वो हठ करके कहिंदे परमात्मा मिलेगा, हठ कर मरै
ना लेख है पावे। हट करके बंदा मरी जावे खपी जावे उदा हट किसे लेखे च नहीं पैंदा। कीर्तन करे ते कीर्तन दे सामने सारे जप तप पूजा पाठ कीर्तन दे बराबर नहीं हो सकते। हाँ जी, कीर्तन समता क्यों होना कर है? कीर्तन दी बराबरी किसे तरह भी कोई भी साधन नहीं कर सकता। कलयुग में कीर्तन प्रधान। बाबा जी जिथे भी गए दुनिया के कोने च भाई मरदाने नू नाल लेके गए ते उथे जाके कीर्तन कीता ते कीर्तन दे सारिआं नू जाच सिखाई वी तुसीं भी कीर्तन करो। हाँ जी, अपर सो कर्म करन जे सारे। होर जिहड़े कर्म हन साध संगत जी वह कर्म कलयुग दे विच नहीं फलते। हर एक फसल की मौसम होंदी है। जिमें साध संगत जी आपां पंजाब चों आए हाँ उत्थे दो मुख फसलां बीजदे हाड़ी ते सौणी। सौणी दे टाइम ते जे कोई हाड़ी बीज देवे हाड़ी दे टाइम ते कोई सौणी बीज देवे सियाने बंदे कहिंदे ने इह तेरा कम चलना नहीं इह तेरी फसल बहुती नहीं फलनी नुकसान होएगा। बीज भी कई बार सड़ जाता बीज भी पले नहीं पैंदा। सौणी का टाइम सौणी बीजो हाड़ी का टाइम हाड़ी बीजो ठीक रहोगे। जे बेमौसम बीज बीजोगे बेरुत्ता बहुत महाराज कहिंदे ने पुरुत्ता बीज बीजे नहीं जम्मे। ये बाणी दे विच पंक्ति आउंदी मारू राग विच गुरु साहब फरमाते ने पुरुत्ता मैंने बेमौसम हाड़ी की थां ते सौणी सौणी की थां ते हाड़ी। यानी जिहड़ी फसल हाड़ी च बीजनी है कणक वगैरह नहीं बीजी टाइम दे नाल ते उहदी थां ते सौणी बीज दित्ती चावल बीज दित्ते झोना बीज दित्ता वह नहीं बन। तो जे चौलों के सैम तो आप कणक बीज दी वह भी नहीं होना। जिहड़ी मौसम है वो हिसाब नाल बीज बीजो फसल वधेगी फलीभूत होगी। महाराज कहिंदे कलयुग दे विच अब रुत नाम रे अब कलू आयो रे एक नाम बो। कलयुग का समय हुण एक नाम की खेती करो। नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेश। नाम का बीज बीजो कलयुग दे विच कीर्तन करो बस यही मुक्ति का साधन है। हाँ जी, जे किसे कोल बहुत बल होवे पैसा होवे शरीर का बल होवे विद्या का बल होवे पैसे का बल होवे कोई ताकत होवे किसे कोल। हाँ जी, कीर्तन के समान नहीं कोई तां वो कर्म कर सकता। जिहड़े कर्म कांड वेदा शास्त्रां च लिखे ने जग करना हुण जग दे लखां रुपया खर्चा हुंदा हर बंदा नहीं करा सकता। लखां रुपया खर्च के भी उहदा फल उन्ना नहीं मिलना जिन्ना कीर्तन करके मिलना। आखो वाहिगुरु। लखां रुपया खर्च के भी वह गल नहीं बननी जिहड़ी परमात्मा का नाम जप के बननी है। तो फिर कहिंदे हर बंदा लखां रुपया खर्च भी नहीं सकता ते जे कोई खर्च लवे तां भी इन्ना फल नहीं मिलता। सब ते अदक यही एक होई बस इको ही है कीर्तन करो वाहिगुरु का जस करो प्रभु नूं वड्डा 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 करके सलाही जाओ। तू वड्डा है तू वड्डा है तू वड्डा है वड्डी हूं वड्डा अपार तेरा मरतबा रंग परंग अनेक न जापण करतबा। ਇੱਦਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਗਾਈ ਜਾਵੇ ਗਾਈ ਜਾਵੇ ਬਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਦੇ ਤੁਮ ਕੀਰਤਨ ਨਿਤ ਕਰੋ। ਹੇ ਭਾਈ ਝਾਂਜ ਹੇ ਭਾਈ ਮੁਕੰਦਾ ਹੇ ਭਾਈ ਕਿਦਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਾਗ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਰੋਜ਼ ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਪਰ ਗਾਣੇ ਨਾ ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। प्रभु का सिफत सलाघा वाला भजन कीर्तन करया करो। हाँ जी, अपर सुनाए तार गन करो। लोगों भी सुनाओ तो आप भी सुनो आप भी तर जाओगे तो दूजे भी तर जाएंगे। आखो श्री वाहिगुरु। कीर्तन करने वाला आप तो तरदा ही है कीर्तन के नाल जड़े सुनने वाले वह भी तर जाते हैं।
ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਰਾਮ ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਛੋੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਤੰਦ ਸੁਆਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਦੀਨੋ ਗੁਰ ਬੂਝੇ ਤੇਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਝਾਂਜ, ਭਾਈ ਮੁਕੰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਦਾਰੇ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿਮਾ ਕੀਰਤਨ ਕਹੀ ਬਡੇਰੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਅਰ ਕਥਾ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ, ਪਾਠ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਥਾ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੈ? ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਫਲ ਵਰਨ ਕਿਨਕੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ। ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਿੰਨ 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 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫਲ ਦੱਸੋ। ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤੇ ਪਰ ਬਗੇ ਸੁਨਾਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਜਥਾ ਖੂਬ ਕੀ ਖੇਤੀ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਉਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਲਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਟਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਹਲਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਦ ਜਾਂ ਝੋਟੇ ਜਾਂ ਊਂਠ ਜੋਗਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੇੜਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੋਗ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੇੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗਿੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖੂਹ, ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, 5 ਕਿੱਲੇ, 10 ਕਿੱਲੇ, 20 ਕਿੱਲੇ, ਹੱਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੇਤ 50 ਕਿੱਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ 10-20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਚਤ ਨੀਰ ਹਰੀ ਕਰ ਸੋਏ। ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਮੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 5 ਕਿੱਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਖੂਹ ਰਾਹੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੀਗਰ ਪਕਾਏ ਸਦਨ ਮਨ ਅੰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਪਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਵਿਧ ਕੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਖਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਦਾਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦਾਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖੇਤ ਸਮੀਪ ਅਪਰ ਜੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਖੂਹ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਤ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ 2 ਕਿੱਲੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੂਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਹਿ ਪੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਲ ਸੋਏ, ਉਹ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਖਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਨੇੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇ। ਕਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਰ ਖੇਤ ਕੋ ਪਹੁੰਚਦ ਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਖੇਤ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਖੂਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ 50 ਮੀਲ 10 ਮੀਲ 20 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। 1-2 ਕਿੱਲੇ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, 10 ਕਿੱਲੇ ਦੂਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਲ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਰਵਣ ਕੇ ਮਾਂ ਹੈ,
इस तरह जिहड़ा गुरबाणी का पाठ करता है, बाणी का पाठ सुनता है, वह मारे फल दस रहे ने। हाँ जी, कीर्तन करन मेघ की बरखा। कहिंदे जे हुण दूर दे खेत ने, खूह दा पाणी नहीं जा सकदा, मीह पै जावे, मीह पै जावे नेड़े की ते दूर की, सब हरा भरा हो जाता। खूह दा पाणी मीह दे पाणी दी रीस नहीं कर सकदा। खूह दा पाणी दसां किल्लियां च, बीहां किल्लियां च लग सकदा, पर खूह दा पाणी हजारां किल्लियां नूं, हजारां एकड़ जमीन नूं नहीं, इन्नी दूर नहीं जा सकदा खूह दा पाणी। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਰਖਾ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਿ ਨੇੜੇ ਕਿਆ ਔਰ ਦੂਰ ਕਿਆ, ਸਭ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨੇੜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਵੀ। ਮੀਂਹ ਜੋ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਸਭ ਖੇਤ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਰਖੇ ਜਲ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਹਰਖਾ। ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਲ ਵਸਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਨੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਨੇ, ਫਲ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ, ਪੁਰਸ਼, ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਠੰਡਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਖੇਤੀ ਜਹਿ ਕਹਿ ਹਰੀਅਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਹਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਹਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਬਰ ਦਾਨੋ ਤਿੰਨ ਮਹਿ ਜੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨਹੋਗੇ ਸਾਲ ਕਥਾ ਹੋ ਫਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ 5-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਉੱਚੇ ਪਾਣੀ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਰੁੜ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਵੇਂ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਚੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਚੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਣੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਰੇਜਿੰਗ ਡਰੇਜਲਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੂਡ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਫੁਹਾਰ, ਚਿਮ ਚਿਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ 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 ਬਸ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟਿੱਬੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਿੱਬੇ 'ਤੇ ਰੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਰੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਰਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਟਿੱਬੇ ਵੀ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਟਿੱਬੇ ਵੀ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ, ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਹਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ। ਪਰ ਜੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਹੈ ਕੀਰਤਨ।
ਵਾਜੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਤਬਲੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗਾਣਗੇ, ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਗਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਾਠ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਕੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੇ ਮਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕਣੀ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਫੂੜ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਫੁਹਾਰ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਕਥਾ ਦੀ। ਕਥਾ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਝੜੀ ਲਾਗ ਜਿਵੇਂ ਬਰਕਤ ਜਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਝੜੀ ਲੱਗ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਝੜੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਝੜੀ ਲੱਗਦੀ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝੜੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਝੜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਧੱਸ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਗਾਰਾ ਵੀ ਪੱਕੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜੇ ਝੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਝੜੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਣੀ ਦਾ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੂੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਤਿਗੜੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕਰ ਲਵੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੋੜ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥਿਮਕ ਥਿਮਕ ਬੂੰਦਾਂ ਜੇ ਪਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਥਿਮਕ ਥਿਮਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਮਹਿ ਧਰਨੀ ਧਰਨੀ, ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉਸ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਰੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਅੰਦਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਦ ਨਾ ਜਾਤ ਪਰ ਹੈ ਜਲ ਜੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਝੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦਾ ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਖੇਤੀ ਕੋ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੋਏ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਕਣੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁੜੇਗਾ ਪਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੈਸੇ ਸਮਝਾਵਨ ਸਿੱਖ ਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਹਿ ਮੋਛੀ ਹਿਰਦੈ ਧਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਮੋਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਮੋਕਸ਼ੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਗਿਆਸੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਗਿਆਸੂ ਮਮੋਕਸ਼ੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਸ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ,
कि वह समान महंगा होवे सस्ता होवे खरीद लैंदा। जे कई बारी इच्छा होवे तो महंगी चीज भी खरीद लैंदा, जे इच्छा ना होवे तो सस्ती भी कहिंदा की करनी छड्डो पर। फ्रिज मिलती होवे कहिंदा की करनी अपने कहिंदे काम दी। मुक्ति की भी इच्छा चाहिए है, जे मुक्ति की इच्छा ना हो ते ओ उन्हों कहिए तो मुक्ति लेनी है। वो कहिंदे कोई महापुरुष किसी पिंड चले गए, कहानी है पुराने जमाने की, कहन लगे भाई तुहानू सचखंड लै चलीए। वो माइया तैयार हो गई, माइया तैयार हो गई, तो पता कोई नहीं सी भी सचखंड की बड़ा होंदी है, मुक्ति की होंदी, पता पता कोई नहीं सी। तुर पईआं सचखंड चलना नहीं बीबी, कहने हां चलना। अगे पिछे तुर पईआं 50-100 माइया कट्ठियां हो, अधक ते तुर गईआं। तो एक माई 90 साल की पिछों बाजा, वह कुड़ियो ठहर जो सुन लो। ओ कुड़ियां रुक गई, माई कहती पुत ये बाबे नूं पुछते रहना सी भी सचखंड जाके रोना पिटना कि ना दा करना। ओ कुड़ियां ने पूछा बाबा बेबे पुछती है भी उत्थे रोना पिटना किनू है जाके। बाबा कहिंदा माता उत्थे रोना पिटना कोई नहीं, उत्थे ते शांति शांति है, आनंद ही आनंद है, उत्थे कहदा रोना पिटना। वो बुढ़ी कहिंदी नहीं मर जाओ वापस चलो, फिर उत्थे की करना है, अपना की काम है उत्थे, जे रोना ही पिटना ही कोई नहीं तो फिर आप सचखंड च की लैना जाके। जिहड़ा जिहड़ी चीज़ का गाह की नहीं उहदे अगे तक्की ना रखी जाओ, उहनू कोई पता नहीं। आखो श्री वाहिगुरू। कथा कीर्तन उहनू समझ आउंदी जिहदे मन च इच्छा भी मेरा कल्याण होवे, मैनू कुछ मिले गुरबाणी चों, मेरी रूह नू मेरी आत्मा नू। जिहनू इस गल का मतलब नहीं उहने की लैण आउणा। गुरुद्वारे भी सारे तरह के लोग आउंदे ने, सारे मुक्ति लैण नहीं आउंदे, 90% तां भुगती लैणी आउंदे। भुगती ते मुक्ति दो चीज़ां ने। भुगती है खाण पीण दा समान, रोटी वधिया मिली जावे, कपड़ा वधिया मिली जावे, मकान साडा वधिया होवे, काके दी कुड़माई चंगे घर च होवे, बच्चे वैल सैटल हो जाण, साडा कारोबार ठीक होवे, 90-99% आपां इदां दे आउने गुरद्वारे च। कोई आउंदा जिहड़ा कहिंदा वी मेरी आत्मा दा वी भला हो जाए, मेरा इस दुनिया ते आउणा सफल हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। हाँ जी गुणन बधाए जकार निकार है कहंदे। हाँ जी ओ जिहड़ा बंदा मुक्ति दा इच्छुक है अपने गुण वधांदा, अपने विच विकारां नूं छड्डदा, बुराइयां छड्डदा ते चंगियाइयां धारण करदा। हाँ जी हृदय विचार है निरनौकर है, हर गल दा ओ अपने हिरदे च विचार करदा, इह दुनिया की है, ये जमना मरना की है, ये मैं की हाँ, मैं की हाँ, कितों आया मैं, कितने जाना मैं, आत्मा का विचार करता है। जदों अपनी आत्मा दे विचार करता है, अपने मन के संकल्पां ते मन के फुरनिया नूं वेखदा, ये मन के फुरने कितों आते हैं, ये मन के फुरने किवें चलते हैं, ये मन के फुरने बदलते किवें ने। जिहड़े वेले जिहड़ा फुरना प्रबल होवे होर उस वेले कोई गल नहीं चेते आउंदी, उही हुंदी। गुस्सा आया होवे, क्रोध आया होवे ते बस फिर सिर पाड़न ते कतल करन दी सोचदा, ये नहीं सोचदा कि इहदा नतीजा की निकलेगा, इहदा फायदा की होवेगा, इहदा वाधा की, इहदा घाटा की है। काम वासना जागी होवे ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਹ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਹੈ, ਦੁਐਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ।
जिन्हियां बुराइयां ने जिन्हियां चंगियाइयां ने सब मन विच्चों पैदा होंदियां। मन च चंगे ख्याल आउंदे ने, मन च माड़े आउंदे ने। चंगे चंगे बंदियां दे मन च माड़े ख्याल आ जांदे ने, माड़े माड़े बंदियां दे कई वारी चंगे ख्याल आ जांदे ने। कोई पता नहीं किहड़े वेले की ख्याल आ जाणा, गुरुद्वारे बैठियां किहड़ा ख्याल चंगा आ जाणा, किहड़ा माड़ा आ जाणा, कोई पता? ये जिहड़ी मन की पढ़ाई है वह पढ़े, इहदे उत्ते चिंता, ये किताबां चों नहीं मिलदी, इहदे आप ही पढ़ना पैंदा, अपने आप नूं देखना पैंदा, चिंतन करना पैंदा। हाँ जी, आत्म ज्ञान भले और धर, हौले हौले आत्मा दे ज्ञान बारे पता चल, आत्मा बारे आत्म ज्ञान प्राप्त हुंदा है। जदों आत्म ज्ञान प्राप्त हुंदा है हौले हौले हुंदा, एकदम तो नहीं हुंदा, ते जदों उत्थे पहुंचदी है गल, मन विच वसदा है वो ज्ञान। हाँ जी, कथा कीर्तन दोनों मिले, फिर कथा कीर्तन दोवें चंगे लगदे ने, फिर कथा कीर्तन मिले, कथा कीर्तन फिर उन्होंने अगे लै जाते हैं। हाँ जी, शोभा पावत अति ही भले, शोभा पाते ने ये भाई बाणी दे पाठ का फल, पाठ का कीर्तन का फल, बाणी दे कथा का फल दस रहे ने महाराज। हाँ जी, कथा बधावे महा महात्म, कथा जिहड़ी है ना पाठ कीर्तन दे फल नूं होर वधा दिंदी, महा महात्म कर दिंदी। कथा नाल ही पता लगता है पाठ का फल, कथा नाल ही पता लगता है कीर्तन का फल, ते कथा नाल ही कथा का फल पता लगता है। हुण आपां कीर्तन का फल भी सुन रहे हैं, कथा च सुन रहे हैं, आपां पाठ का फल भी सुन रहे हैं, वह भी कथा च सुन रहे हैं, ते कथा का की फल है वह भी कथा च सुन रहे हैं। इस करके कथा का फल सारियां तों ज्यादा है। हाँ जी, कीर्तन सुनते शुद्ध होए आत्मा, आहा हा, कीर्तन सुनने नाल आत्मा शुद्ध होंदी है, अंदर पवित्रता स्वच्छता होंदी है, आत्म सिद्धि होंदी, आत्म स्वरूप दे शीशा साफ होंदा, उहदे दर्शन होंदे क्लीयर होंदे। हाँ जी, जब है कीर्तन करे भलेरा, जदों जुड़ के कोई कीर्तन करदा उस वड्डे प्रभु दीआं वडियाईआं गाउंदा, कीर्तन विच बिरती जुड़ जांदी है जदों। हाँ जी, हर कबदावे बहु मन केरा, मन दे विच बेअंत आनंद पैदा हो जाता है, खुशी पैदा हो जाती है, वो खुशी परमात्मा का रूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। साध संग जी सानू पदार्थां च आनंद भासदा, वैसे परमात्मा विच आनंद है। हाँ जी, जथा मात पुत्रन दे छाजे, जिवें मां अपने बच्चों नाल सोहदी है, मां उदों ही मां बनती है जिस दिन उहदे घर पुत्र का जन्म होंदा है। सत्कारयोग ज्ञानी इंद्रजीत सिंह जी पिछे सरी सिंह नूं पुछन लगे, कहिंदे बई प्यो पहले जमदा कि पुत्र पहले जमदा? प्यो पहले जमदा कि पुत्र पहले जमदा? सारे चाहिए सोचा च पै गए भी यह कितना का सवाल है। पिछों एक सिंह ने कहा, ज्ञानी जी महापुरशो दोवें कट्ठे ही जमदे हैं, प्यो पुत्र दोवें एको दिन जमदे हैं। क्यों? पुत्र जमदा दिन ता ही बंदा प्यो बनता, उस तो पहला तो प्यो नहीं ना होंदा, प्यो उस दिन ही बनता जिस दिन पुत्र जमदा। मां भी ता ही मां बनती है जे पुत्र होंदा, उदा तो नहीं। इस तरह मां ते पुत्र एक दूजी के पूरक, मां तो बिना पुत्र जमदा नहीं, मां तो बिना पुत्र जमदा नहीं, पुत्र बिना मां नहीं बनती। हाँ जी, कथा कथा कीर्तन ते राजे, इसे तरह कथा ते कीर्तन मां पुत्र एक दूजी के नाल सोते गुरुद्वारों में कीर्तन ते कथा इस करके शुरू होए ने, गुरु साहब ने कराए। अजकल कई कहते कथा की नहीं लोड़, कला ही कीर्तन ही करी जाओ, वो भी है साढ़े कई और ने जड़े कहते भी कीर्तन की कोई लोड़ नहीं, बस साडा लैक्चर ही सुनी जाओ। नहीं, इदा नहीं गल बनती। गुरु ने जड़ी चीज़ा बनाइया उन्होंने चीज़ों से साध संगत जी बड़ी वजनदार गल्ला ने, बड़े वड्डे महान सिद्धांत छोपे हुए।
कीर्तन ते कथा दोवें ही सोखते ने। महाराज कहते कथा कीर्तन सुखदाई सुख देंदे ने। हाँ जी, जिम पुत्र ने को पाल है माता, जिमें बच्चों नू पुत्रां नू मां पालदी है, मां तो बिना कौन पाल सकता बच्चे। हाँ जी, तथा कथा कीर्तन हर खाता, इवें कथा कीर्तन के कथा कीर्तन नू पालदी है, कीर्तन नू कथा पालदी है, ओ उदे विच रस भर देंदी है, उदी कदर पवा देंदी है, उदी वैल्यू दसदी है। हाँ जी, सुन बोले सिख हमें बता दो, सिखां ने आख्या महाराज सानू कृपा करके दसो। हाँ जी, सुत जननी दृष्टांत जनाबो, आपने दसिया भी कथा मां है ते कीर्तन पुत्र है। हाँ जी, कीर्तन कथा कथा पद कौन है, ये भी दस दियो भी कीर्तन का प्यो कौन है, कथा का घर वाला भी तो कोई चाहिए, जे वो मां पुत्र ने, मां पुत्र तो ठीक ने, पर मां का पति भी तो कोई होगा जिन्हों कीर्तन का पिता कहोगे तो कथा का घर वाला कहोगे, वह कौन है। हाँ जी, वो भी दस दौ जिहड़ा है सानू पता लग जाए भी कथा का पति कौन है, कीर्तन का पिता कौन है। हाँ जी, कहे गुरु सो प्रेम पछाण, गुरु अर्जन देव कहते भाई चांद भाई मुकंदा भाई किदारा सुनो, कथा का घर वाला और कीर्तन का प्यो प्रेम है, प्रेम तो बिना कथा सोहनी नहीं लगती, प्रेम तो बिना कीर्तन भी शोभा नहीं पाता, प्रेम नाल रागी गा रहा होवे गुरु नू सामने रख के ते सचखंड बना देंदा, प्रेम नाल कथा हो रही होवे ते कथा सचखंड बना देंदी है, प्रेम तो बिना ना कीर्तन शोभा पाता ते ना कथा सोभदी। हाँ जी, कथा कीर्तन प्रेम जेठा ना हो, ये दोवें चीजें प्रेम नाल होंदी, प्यार नाल कीर्तन होंदा, प्यार नाल ही कथा होंदी है, जे दोवां दे विच प्यार नहीं ते फोके होंदे, कीर्तन भी कोई गावे रागी नादी बेदी बो पहांत कर नहीं, हर हर भीजै राम राज, बड़े ताना ला ला के कोई गाई जावे अंदर प्रेम ना होवे तां वी गल नहीं बनदी, कोई कथा बड़ी बाह उलार उलार के करी जावे प्रेम ना होवे तां वी गल नहीं बनदी। प्रेम होए शोभत हैं दोए, प्रेम नाल दोवें शोभदे हन। हाँ जी, जिसते महा महात्म होए, एदा बड़ा महात्म है, महा महात्म है प्रेम दा भाई, सुन सतगुर को द्वै उपदेश, भाई चांज मुकंदे किदारे ने गुरु दा उपदेश सुनिया। हाँ जी, कीर्तन लागे करन हमेश, ये कीर्तन करन लग पे हन। हाँ जी, महा प्रेम दे शब्द सो गावे, बड़े प्रेम नाल शब्द गांदे हन। नहीं कामना कोई उठावे, पर मन च कोई फुरना नहीं पैदा करदे, कोई कामना नहीं पैदा करदे। हाँ जी, परा लब्ध कर जो किछ पाए, जो परमात्मा दी मर्जी नाल कलम च लिखिया हुंदा मिल जावे उही लैंदे ने, कीर्तन दे बदले च भेटा नहीं मंगदे, इन्ने हजार लवांगे इन्ने लख लवांगे ते कीर्तन करांगे, बस जो वाहिगुरु ने साडे कर्मां च लिखिया मिल जाणा इस भरोसे से कीर्तन करते हैं। हाँ जी, किरिया देह की सो निभाए, बस शरीर का गुजारा चली जाए, रोटी माड़ी मोटी मिलती रहे, शरीर के उत्ते पहनने लई कपड़ा मिलता रहे, तो फिर कीर्तन करते रहते हैं। हाँ जी, तड़े भाव सिख संगत दे, सिख संगत प्रेम नाल ही आपे माया दे दिंदी, राग विद्या इन्हां कोल बहुत है, कीर्तन बड़ा सोहना करते हैं, प्रेम नाल करते हैं, संगतां कमी नहीं रहन दिंदी, संगतां दे उत्ते साध संगत जी गुरु वसदा है, काम धेन है संगत, संगत जिहड़ी एक एक रुपया भी दिंदी है ना उहदी भी बरकत बड़े कमाल दी हुंदी, जिहड़ी कई वारी मंग के रागी ढाडी भेटा लै तां लैंदे हजारां रुपया, पर चोरां दे कपड़े डांगां दे गाजी चले जांदे आ, जिहड़ी गुरु दी संगत वल्लों प्यार नाल रुपया रुपया धेली धेली खजाने च आ जांदा, उहदी बरकत उहदा नज़ारा उहदी शांति उह प्रशादे दा सुख ही वखरा हुंदा, संगतां प्रेम नाल दिंदियां हन। हाँ जी, कार गुजरान अपनी नेत, अपना गुजारा इदां भाई जांज मुकंदा किदारा करदे रहे। हाँ जी, कीर्तन करत रहे निष्काम, निष्काम करदे सन कीर्तन, कोई इच्छा नहीं सी करदे। हाँ जी,
गुर सेवा लह पद अबराम। गुरु की सेवा इन्होंने प्रेम न की ते बड़ी उच्ची पदवी प्राप्त की। सो साध संगत जी इत्थे इन्हां गुरसिखां दे प्रसंग की समाप्ति हुई। अगे होर गुरसिखां ने जो प्रश्न किए सुणांगे समय दे लिहाज नाल समाप्ति। हे गोबिंद हे गोपाल।